भाई अभी जैसे कुछ ऐसा है तो देर से उठा हूँ और घर में सहरी हो गई है, सबका काम नहीं है और मैं देर से उठ गया। तो स्टार्ट करते हैं अपने व्लॉग को। तो वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। अभी भाई जाना है बाहर, कपड़े चेंज करना है भाई। अभी जाना है फजर की नमाज़ पढ़नी और खाने शादा तो सबने खा लिया। पानी शादी मिलना है थोड़ा बहुत, वो भी पी लेंगे। अभी बस रोज़ा बंद करने की दुआ पढ़ लेंगे तो चलेंगे नमाज़ पढ़ने। तो भाई टाइम है 10-15 मिनट है, मगर पानी शादी पीते हैं फिर मिलते हैं आपसे। तो चलते हैं भाई, पानी शादी पीते हैं फिर निकलते हैं मस्जिद की तरफ। ओके तो भाई आज बिल्ली आ गई है हमारे घर पर सुबह सुबह सहरी के टाइम, सहरी मांगने आई है। इसको भी रोज़ा रखवा दिया है तो भी जब इसको भिजाते हैं बाहर। पर बेटा जाओ तुम बाहर, चलो जाए। पता नहीं कैसे आ रही आज हमारे घर पर, पता नहीं कहाँ सोती है कहाँ रहती है, पता ही नहीं हमें भाई। तो अभी चलते हैं घर पे और टाइम हो रहा है नमाज का, 15-20 मिनट है। तो दुआ पढ़ लेते हैं, वो अभी सौ में गए नवे तो इन चार रमज़ान जैसे ये भी पढ़ेगा अपने। जल्दी से पढ़ो सारे दुआ भाई, नमाज का टाइम होने वाला है और रोज़ा बंद कर दिया आपके भाई। तो अभी रोज़ा खोलेंगे बस इंशाल्लाह ताला, जब तुम्हें दिखा देंगे कि दुआ कौन सी होती है। लेकिन कपड़े वगैरह चेंज करते हैं फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में भाई। हाफिज़, तो अपने ख्याल रखें, बस सारा कुछ करें बस भाई, चलते हैं बस। ओके मिलते हैं आपसे। अगर मैं ब्लॉग नहीं बना पाया तो मिलेंगे सुबह जाएंगे कॉलेज, वरना कहीं और जाएंगे भाई। कुछ सीन अलग है, बस समझा करो कहाँ जाएंगे और तुम्हें पता पड़ जाएगा यार। जब ब्लॉग स्टार्ट होगा ना सबको पता पड़ जाएगा कहाँ कहाँ होगा। मैं मुझे खुद भी नहीं पता अभी कहाँ जाना है। और अली भाई सुबह के टाइम जाएंगे कराची, उन्होंने मुझे की दिए कि मेरे तोते वगैरह को देख लेना। तो मैंने कहा भाई कोई बात नहीं, आप भले होकर आ जाओ। 3-4 दिन के लिए अली भाई हमसे अलग हो रहे हैं, मतलब कहीं और जा रहे हैं। तो मिलते हैं थोड़ी देर में, बस बातें बहुत हो गई हैं, नमाज़ पढ़ने के वक्त मिलेंगे आपसे। ओके ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। तो भाई सीन कुछ ऐसा है, अभी उठा हूँ, टाइम 12 बजने वाले हैं और अभी उठा है आपका भाई। तो ये देखे भाई, सो गया था सहरी करके, फिर उठा ही नहीं और कॉलेज के टाइम भी नहीं उठे, जहाँ जाना था वहाँ पे भी नहीं गए। बस भाई टाइम ही हो रहा है भाई, काम शाम करते हैं और चलते हैं अली भाई के घर। अली भाई जा रहे हैं कराची, उन्होंने मुझे फ़ोन किया था कि मुझे छोड़ना भाई तुम 12 बजे, और वही बात हुई भाई, 12 बजे ही मैं उठा हूँ। और देखते हैं मोबाइल मेरा जो है दूसरा, जिसमें सिम वगैरह लगे हुए हैं उसको देखते हैं कॉल वगैरह आई है नहीं अली भाई की। फिर निकलते हैं अली भाई की तरफ और व्लॉग एडिट करना है, और इस बार जल्दी उठा है आपका भाई, 9:30-9:30। समझ रहे हो ना। तो भाई अभी करते हैं काम शाम, फिर अली भाई का फ़ोन वगैरह चेक करते हैं आया है नहीं, उन लोगों की तरफ जाना है और व्लॉग को एडिट करना है जल्दी से। और नींद वींद सब खत्म हो गई है भाई, काम ही नहीं हुआ तो अब क्या करेंगे सो के। तो चलते हैं भाई, काम शाम करते हैं, अली भाई को छोड़ कर आते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। ओके तो अपना ख्याल रखें भाई। ये सीन कुछ ऐसा है, अभी रोज़ा खोलने का टाइम हो गया है, चेक करें। और भाई लोग सारे देखो कैसे सेटिंग कर रहे हैं, बस रोज़े की चीज़ें वगैरह लगाने की। तो अभी चीज़ें वगैरह लेते हैं और सारी चीज़ें अभी इधर रखेंगे और खाना छाना करेंगे, स्टार्ट हो जाएंगे फिर मिलेंगे आपसे। सब काम शाम कर रहे हैं, सब लगे पड़े हैं अपने काम में और अजाने भी हो गई हैं भाई, दुआ वगैरह मांगते हैं और मिलते हैं आपसे। तो जल्दी से भाई रोज़ा खोलते हैं, बिस्मिल्लाह। अभी खाते हैं खजी, अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुन तो अभी का मन तो अलग है। सब खा रहे भाई, फिर मिलते हैं दो दिन। तो भाई सीन कुछ ऐसा है, अली भाई के घर पे कोई भी नहीं है, लॉक लगा पड़ा है सारा घर, पता है क्यों? अली भाई भी गए हुए हैं कराची अपने बच्चों के पास। तो मैं इसके लिए आया था यार, इसको खाना छाना देने। हाँ बेटा आ गया हूँ, आ गया हूँ। और इसको रूम में डालेंगे, पहले इसको खाना छाना दे देते हैं। अब ये शॉपर कागज़ को डस्टबिन में डालते हैं और इसको अंदर करते हैं, फिर निकलते हैं अपने घर की तरफ। अभी अली भाई का काम यार मुझे ही करना पड़ेगा, इतना बड़ा भारी पिंजरा है इसका, और इसको रूम में शिफ्ट करना है, रात को सुबह आके निकालेंगे इसको इस रूम से। देखते हैं भाई, सही है भाई, ये सिस्टम इधर ही लगाइए यार। यार इसको इधर नहीं करेंगे, इसको किचन के इधर कर देते हैं, पहले रोशनी वगैरह भी आए इसके पास। और इसको इस साइड जैसे अली भाई रखते हैं वैसे बेस्ट है, अब ये इधर ही रहेगा। सुबह आएंगे फिर इसको देखेंगे कैसा है कैसा नहीं, इस रूम को
फिर से बंद कर देंगे यार। अली भाई जब थे यार, बातें शातें होती थी और निकलेंगे अपने काम से, तो लेट्स गो, निकलते हैं घर की तरफ। इधर क्या करेंगे यार, बेंगलाइज वगैरह को दाना पानी दिया हुआ है, उसने कहा था कि चेंज करना। अब देखिए यार, पानी है इनके पास, पानी है इन सबके पास, पानी है भाई। तो वैसे ओके हो गया, अब सुबह आएंगे इन लोगों को दाना पानी भी देंगे। और आशिम का स्कूल देखो कैसे बंद पड़ा है, आशिम है ही नहीं और मज़ा भी नहीं आ रहा भाई। तो चलो भाई चलते हैं अपने घर की तरफ। भाई सीन कुछ ऐसा था, अभी मैं बाहर से आया तो एक बंदे ने गेट लॉक कर दिया और वो बैठा है कि कह रहा है भाई बाबा ने कहा है मुझे, 1 बजे नहीं है और इस भाई ने गेट बंद कर दिया। इससे इन्फॉर्मेशन ली तो ये बोलता भाई बाबा ने गेट बोला था बंद करने का, बाबा तो ये भी कह रहे थे कि 11 बजे से कोई बाहर नहीं जाएगा। तो तुम कहाँ गए थे? मैं तो क्या, काम था मुझे यार, 2 दिन काम थे पर्सनली। आप क्यों गए अपने काम से? बॉय अच्छा ये अपने काम से गया था, मैं अपने काम से नहीं गया था। तो सीन कुछ ऐसा है, अभी चलते हैं, खाना छाना खाते हैं और जाते हैं, बिस्तर वगैरह लेते हैं, सोने जाएंगे। और सुबह भाई लाजमी मुझे कॉलेज जाना है, 2 दिन की मेरी अटेंडेंस नहीं लगी है और वहाँ से कॉल आई है कि उसमें में क्या हुआ, तबीयत वगैरह सही है। मैंने कहा भाई बस थोड़ा सा काम शाम था घर में, उस वजह से आपका भाई थोड़ा डिफिकल्ट में था। कल मिलेंगे आपको नए ब्लॉग में, तो इस ब्लॉग को इधर ही एंड करते हैं। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ताकि हमारी नई वीडियो आप तक पहुँच सके। तो ओके, अल्लाह हाफिज़।